मुझको भी लाडली, रख लो अपनी गली। क्योंकि देखो भैया, हम सीधे साधे ब्रजवासी। मैं जब आई तो मैंने पूछा मंजू जी से, आज उनके यहाँ का उत्सव है, कुछ लाना पड़ता है कि हम तो कुछ लाए नहीं है, हमें समय ही नहीं मिला कहीं जाते, क्योंकि कल थके हुए गए, सुबह 5 बजे पहुँचे और जाते ही हम सो गए, उठे और इधर आ गए। तो मैंने कहा कुछ लाना होता है क्या, क्योंकि हमें संसारी व्यवहार आता नहीं है। तो देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, खाली इनके लिए नहीं, मैं आप सबके लिए भी यही चाहती हूँ कि आप सब दूर ना रहो, आप सब दूर ना रहो। मुझे तुमसे कोई स्वार्थ नहीं है, मुझे तुमसे कोई लालच नहीं है। मैं कहती हूँ ब्रज में आ जाओ, शायद कभी जिंदगी में मेरा मुंह मत देखना, कभी मत आना, लेकिन मेरी प्यारी के पास आ जाओ, क्योंकि तुम मेरी श्री जी के खिलौने हो, तुम मेरी श्री जी को प्यार करने वाले हो, और वो भी तुम्हें बहुत प्यार करती है। मैं ब्रज में रहती हूँ, मैं महसूस करती हूँ वो बहुत प्यार करती है। मत सोचो कोई क्या कहेगा, बस ये देखो श्री जी इस बार, अगर इस बार गई तो बहुत जन्म तक ठोकर ही खाती रहूंगी। इसलिए मैं ये निर्णय नहीं ले पा रही, मुझ में हिम्मत नहीं है, लेकिन आप कृपा करो आ जाओ ना सब, क्या पता तुम आ जाओ तो मेरा बाहर जाना बंद हो जाए। मुझको भी रख लो अपनी गली, मुझको भी लाडली, रख लो अपनी गली, मुझे भी एक बार दिले तो तेरा प्यार। कोशिश करते हैं संजय बाबा एक बार वृंदावन आ जाओ, नहीं सूखा चले यमुना किनारे महाराज की तरह श्री जी को छोड़ के नहीं। ऐसा कौन सा प्यार आपने उनको दिया है, क्षमा करना। मैं जब बाहर संकीर्तन करती हूँ तो मुझे संस्था वालों का मुंह देखना पड़ता है, क्योंकि तरह तरह की बातें, आपने ये गाया ये नहीं गाया वो किया, लेकिन आज मुझे ये लग रहा है कि ये मेरे घर का संकीर्तन है और कुछ चुने हुए लोग बैठे हैं, चुने हुए, उनमें से भी कुछ ऐसे हैं जो चाहते हैं पर हो नहीं पा रहा है, तड़प रहे हैं पर हो नहीं पा रहा है। इसीलिए मन की बात बार बार निकल रही है कि ऐसा कौन सा हाथ पकड़ के आपने उनको गोद में बिठाया कि वो बरसाने का बस स्टैंड की शक्ल भी नहीं देखते, वो चाहते ही नहीं, वो सीधा यही कहते कि दीदी हम यहाँ जीने थोड़ी ना आए, हम तो यहाँ मरने आए। परसों बाबा मुझे ले गए, बोले मैंने
ये भोलापन है संतों का। दीदी एक बार आ जाओ। मैंने कहा क्या हुआ बाबा? वो हमने कमल कुंड बनाया है, कमल कुंड, बहुत सारे कमल। मेरा बड़ा मन है कि श्री जी को कमल तोड़ तोड़ के श्री जी के लिए लाऊं। तो मैं गई वहां पर, बोले मेरा सपना है कि इस कमल कुंड में इतने कमल खिले कि सारा दिन मेरे पास समय ना हो श्री जी के पास, रावल में, नंदगांव में मैं ये कमल के पुष्प तोड़ तोड़ के ले जाऊं। कहने लगे कुछ साल पहले जब मैंने उस कुंड में गया, पैदल जाता था, तो वहां पे एक बहुत बड़ा सांप, किसी ने कहा सांप है अंदर। तो एक बार को बाहर आए तो कहने लगे तुम पता है किसकी शरण में हो? स्वयं कालिया नाग जिसने नाथ लिया था, उसको भी जो नाथे बैठी है उस किशोरी जी की शरण में। तो डर कैसा? बोले उस दिन के बाद कभी डरा नहीं, कुंड इतना बड़ा बना लिया, मुझे कमल के दर्शन कराए। बोले हमारी श्री जी के राजसी ठाट देखे ना आपने, कि श्री जी के महल की जो गैया भी है ना, तो वो जो कमल गट्टा आता है उसमें जो मखाना सा वो जो निकलता है वो पाके तब दूध देती है वो, मेरी श्री जी की ठाट है। तो प्यारे ऐसा कौन सा प्यार किया तुमने? एक बच्चा भी कह देता है ना कभी, माँ आप बड़ी दीदी से ज्यादा प्यार करते हो, मुझसे नहीं करते। करो ना मंगला में आओ भानु लली, खिले मन की कली मेरी भानु लली, मुझे की इकवा तू दे दे थोड़ा प्यार, सघन लताओं
पली जाऊं तो पे बली मन में यही चाह पली जाऊं तो पे बली मुझे भी एक बार तू दे दे थोड़ा प्यार मुझको भी ला लेके आती है कोई छोटी सी डोलची लेके आती है कोई अपने भावों को लेके आती है कोई मस्ती में मंगला में नाच रहा होता है कोई दौड़ी दौड़ी जाती है अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है मंगला आते शुरू अरे नहीं 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 ये लड़ेती लाल जी की अभी वहां नहीं शुरू हुई है अच्छा भाग दौड़ लगी है सुबह सुबह अलग ही दुनिया है हमारे बरसाने की अलग है दिन में मंगला सुबह सुबह मंगला भोर में और दिन में सघन लताओं में मैं छुप के रहूंगी और सारा दिन तेरे महल में बैठी उसके बाद अग्रभाग जी भा राधा नाम को नचाऊं सांझ ठरे हृदय में सेठ को सजाऊं मैं
सजाऊं उस सेज पर दाबू तेरे चरण अली, दाबू तेरे चरण अली, सो जाना तुम लली, दाबू तेरे चरण लली, सो जाना तुम अली, सो जाना तुम अली, दाबू तेरे चरण लली, सो जाना तुम अली, दाबू तेरे चरण लली, मुझे भी एक दे दे थोड़ा बाहर नहीं भेजोगी, इसलिए दोनों हाथ उठा के जाते जाते पूछो श्यामा बोलो कब आओगी, श्यामा बोलो कब आओगी, श्यामा बोलो कब आओगी, श्यामा बोलो कब आओगी, कब हाथ पकड़ इस दासी को, कब हाथ पकड़ इस दासी को, हरी बरसाना ले जाओगी, हरी बरसाना बुझाओ उठा ओ श्यामा बोलो कब आओगी, श्यामा बोलो कब आओगी, राधे बोलो कब आओगी, राधे बोलो कब आओगी, कब हाथ पकड़, कब हाथ पकड़ इस दासी को, आ जाओ सखी अब आ जाओ सखी मेरे पास रहो, कब ये आवाज लगाओ, हाथ पकड़ मेरे पास रहो, मेरे पास रहो अब ना जाओ, मेरे पास रहो अब ना जाओ, बस जा तू अरे पगली, यही मर जा तू अरे पगली,